नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। 10 नवंबर से दून रेलवे स्टेशन बंद होगा। 3 महीने के लिए दून रेलवे स्टेशन को बंद किया जाएगा। 7 फरवरी 2022 तक दून रेलवे स्टेशन बंद रहेगा। 7 फरवरी 2020 तक ये दून रेलवे स्टेशन बंद रहेगा। 3 महीने तक ट्रेन के आने जाने पर रोक रहेगी। आधुनिकीकरण के चलते बंद रखने का फैसला लिया गया है। तो आपको बता दें कि और बेहतर बनाने के लिए दून रेलवे स्टेशन को 3 महीने तक इस स्टेशन को बंद किया गया है। 7 फरवरी 2020 को एक बार फिर से इस स्टेशन को खोला जाएगा और 10 नवंबर से दून रेलवे स्टेशन बंद हो जाएगा। 3 महीने के लिए स्टेशन को बंद किया जा रहा है। आधुनिकीकरण के लिए इस स्टेशन को बंद किया जा रहा है। 3 महीने तक ट्रेन की आवाजाही पर रोक रहेगी, यानी कोई भी ट्रेन दून स्टेशन पर नहीं आएगी, ना ही वहां से जाएगी। दरअसल आधुनिकीकरण का काम वहां पर चलेगा, उस स्टेशन को और भी ज्यादा बेहतर बनाया जाएगा, इसीलिए 3 महीने का वक्त इसमें लगेगा और 3 महीने तक दून रेलवे स्टेशन बंद रहेगा। तो ये अहम खबर आपको बता दें, 10 नवंबर से 7 फरवरी 2020 तक दून रेलवे स्टेशन बंद रहेगा। 7 फरवरी 2020 को एक बार फिर से यात्रियों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। और अगली अहम खबर बागेश्वर से, जहां एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। बागेश्वर से गरुड़ रोड की तरफ जा रही थी कार। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो एक और हादसा उत्तराखंड में बागेश्वर से गरुड़ रोड पर यह हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बागेश्वर में ये कार दुर्घटनाग्रस्त। तो बागेश्वर में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, हादसे का शिकार हो गई, जिसमें सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बागेश्वर से गरुड़ मोड़ की तरफ ये कार जा रही थी। इसी बीच रास्ते में ये घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं, जिनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 2 लोगों के घायल होने की खबर। दरअसल ये कार बागेश्वर से गरुड़ रोड की तरफ जा रही थी, इसी बीच ये हादसा हो गया। इसी बीच ये कार दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें सवार 2 लोग घायल हुए हैं, जिनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और कल यानी कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस उत्तराखंड में मनाया जाएगा। देहरादून के परेड ग्राउंड में एक बड़ा समारोह किया जा रहा है। बतौर मुख्य अतिथि शामिल इसमें राजनाथ सिंह होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारियों पर बैठक हुई। तो बता दें आपको कि उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस कल यानी कि 9 नवंबर को मनाएगा। एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। परेड ग्राउंड में स्थापना दिवस समारोह का कार्यक्रम है। शनिवार को होने वाले समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस समारोह को लेकर उत्तराखंड सरकार की तरफ से खास तैयारियां की गई हैं। इस दिन को धूमधाम से मनाने के लिए काफी पहले से मीटिंगों का दौर जारी है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल होंगे, जिनमें महिला, युवा, फिल्म जगत के कई चेहरे नजर आएंगे। साथ ही इस कार्यक्रम में 22 राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शन को दिखाया जाएगा। बड़ा प्रोग्राम है, वो बहुत सारे काम है परेड ग्राउंड मैदान में करने जा रहे हैं। इसका नाम हमने भारत भारतीय नाम दिया है और इसमें जितने भी छात्र जो है अदर्स स्टेट के हमारे स्टेट में पढ़ते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के हों, चाहे नॉर्थ ईस्ट के हों, चाहे साउथ के हों, चाहे हिमाचल के हों, लगभग 29-30 प्रदेशों के बच्चों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम परेड ग्राउंड मैदान में करने जा रहे हैं।
और अब बात मौसम ने ली करवट की। जी हां, उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई, केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई। सफेद चादर से ढका हुआ केदारनाथ धाम नजर आया, जिसके बाद सैलानियों के चेहरे जरूर खिल गए, क्योंकि मौसम एक दफा फिर से खुशनुमा हो गया है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बर्फबारी का लुत्फ जहाँ सैलानियों ने उठाया, तो वहीं मौसम जो है वो जरूर हंसी हो गया है इस बर्फबारी के साथ ही। तो पहाड़ों पर बर्फबारी सैलानियों के चेहरे पर खुशी बनकर आई है, और कहीं ना कहीं मौसम के लिहाज से भी सुखद खबर है। बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में हुई है, हालांकि ज़रूर इससे ठंड का एहसास अब मैदानी इलाकों में भी होगा। जो बर्फीली हवाएं हैं वो मैदानी इलाकों में भी महसूस की जाएंगी, लेकिन पहाड़ पर बर्फबारी के साथ एक बार फिर से मौसम खुशनुमा हो गया है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम बदल गया है। जोशी की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, बौली समेत दूसरे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। नवंबर महीने की पहले ही हफ्ते में ओली बर्फ की सफ़ेद चादर में ढक गया है। बर्फ की मोटी मोटी चादर देखने को मिल रही है, इसकी वजह से सैलानियों में भी खुशी की लहर है। उधर बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी देखकर तीर्थ यात्रियों के चेहरे खिल उठे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद होंगे, जाहिर यात्रियों की खुशी अब दोगुनी हो गई है। और ये तीन अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, केदारनाथ, ओली और बद्रीनाथ धाम की ये तस्वीरें, जहां पर बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे ज़रूर खिले हुए नज़र आ रहे हैं। तो नवंबर महीने में ये पहली बर्फबारी, और इसी के साथ ठंड का एहसास ज़रूर अब बढ़ेगा, लेकिन ये मौसम बेहद खुशनुमा है, जिसका लुत्फ उठाते सैलानी नजर आए, और बद्रीनाथ धाम जाने वाले यात्रियों की खुशी भी दोगुना हो गई इस बर्फबारी के साथ। एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है, और सभी जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं आज, वो बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि पहली बार ही उस नजारे को वो लोग देख रहे हैं। बद्री विशाल की कृपा इतनी अच्छी से बड़ी, हम मुंबई से आए हैं, ये हमें ये सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है, इससे बढ़कर और क्या होगा। यहाँ की रूरल लिविंग इतना अच्छा है, यहाँ पे लोग इतने अच्छे हैं, अमेज, इनके लाइफस्टाइल देख के बहुत आनंद आता है। और अब रुक करते हैं एक और अहम खबर का। उत्तराखंड का खास त्यौहार इगास इस बार खास हो गया है। पलायन को रोकने की जो मुहिम चलाई गई, उसका असर साफ दिखाई पड़ रहा है। दरअसल राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने इगास का त्यौहार पौड़ी में अपने गांव में मनाने की मुहिम चलाई थी, जिसका असर है कि वहाँ ये त्यौहार अब काफ़ी खास हो गया है। हालांकि अनिल बलूनी के बीमार होने की वजह से उनकी जगह संबित पात्रा उनके गाँव में इगास त्यौहार को मनाएंगे। और अजीत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजीत, इस बार उत्तराखंड में इगास त्यौहार बेहद खास होने वाला है, क्योंकि जो मुहिम शुरू की अनिल बलूनी ने, उसका असर अब होता हुआ नजर आ रहा है। सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी भी हैं, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, मैं उन्हीं के गांव में हूं, और जिस त्यौहार की आप बात कर रही हैं, मैं उसका चश्मदीद हूं, उसका साक्षी हूं अभी, और यहां लोग एकत्र हो रहे हैं, और मेरे साथ बहुत सारे लोग गांव के, उनके समर्थक, उनके गाँव के लोग, उनके नातेदार, सब भाई बंधु सब यहाँ हैं। तो ये इस तरह की एक मुहिम पहली बार चलाई जा रही है, और हमारे चैनल ने लगातार इस बात को दिखाया है कि इगास के बहाने ही सही लोगों को वापस अपने घर त्यौहार मनाने की जो एक प्रेरणा राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी देते आ रहे हैं, तो उसी का ये परिणाम है। तीज त्यौहार तो लोग मनाते रहते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा खास तरीके से इसको मनाया जा रहा है, ताकि कुछ प्लान से इसको रिकनेक्ट किया जा सके। तो मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ जो इस लोकल त्यौहार को, इसका महत्व जानते हैं, इसकी क्या संस्कृति है सब जानते हैं, और इसको क्यों मनाया जाता है, मैं भी आपके सामने उनको बता दूँ। चूंकि मेरा आज बहुत ज़्यादा बोलने का समय नहीं है, आज मेरे साथ जो लोग हैं उनकी बात हमें ज़्यादा सुननी चाहिए। आप अपना नाम बताइए। मैं विपिन कैंथोला।
ये त्यौहार अभी राज्यसभा सांसद बलूनी जी के गांव में मनाया जा रहा है, तो क्या इसका, इसके पीछे आपको क्या लगता है, मतलब क्या पृष्ठभूमि है इसकी और इससे क्या इसका फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, इगास जो है वो उत्तराखंड का त्यौहार है और ये विलुप्त होता हुआ त्यौहार था। अधिकांश जो नई पीढ़ी है उसको पता नहीं था कि इगास क्या है। जिस प्रकार से राज्यसभा सांसद जी ने ये मुहिम चलाई है, इगास विलुप्त होता हुआ जो हमारा जो त्यौहार है उसको किस प्रकार से अपने लोगों को बताया जाए, आने वाली नई पीढ़ी को बताया जाए। और यहाँ हम सुनते थे पहले अपने बुजुर्गों से कि जब इगास होता था तो दीपावली मनाई जाती थी, इगास होता था कि गाय की पूजा की जाती है, गोवर्धन की पूजा की जाती है, विष्णु जी की पूजा की जाती है, और उसके बाद रात को जो है वो नृत्य होता है, भैलो नृत्य होता है, जो कि एक प्रकार का विशेष नृत्य उत्तराखंड में वो उसका उसकी एक पहचान थी। वो पहचान जो थी वो खोती हुई नज़र आ रही थी। अनिल बलूनी जी जिस प्रकार से मुहिम चलाई है, ये इगास में लोग अपने गांव लौटे हैं और इगास के माध्यम से जो पलायन है उत्तराखंड का उस पर लगाम लगे। इस त्यौहार की अपनी कुछ मान्यताएं हैं, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम लंका पर विजय करके लौटे, उनका राज्याभिषेक हुआ, उसके 11 दिन बाद यहाँ के लोगों को पता चला। इसके अलावा एक जो गढ़वाल रियासत के जो सेनापति थे माधो सिंह भंडारी जी, वो तिब्बत फतेह करने के बाद कहीं लुप्त हो गए, उनको मान लिया गया, वो शहीद हो गए, वो फिर वापस आए, वो भी इसी दिन आए। ये एक इतना खूबसूरत संयोग है जी। जिस प्रकार से जो कथाएं हैं उसके पीछे ये था कि पहाड़ों से बहुत दूर था अयोध्या, और जब राम जी विजय करके आए थे और दीपावली मनाई गई थी पूरी अयोध्या में, तो हमको कहते हैं कि हमारे पूर्वजों को वो बात 11 दिन बाद पता चली एकादशी को, और एकादशी के दिन तब से दीपावली मनाई जाती है। उसे देव दीपावली भी कहा जाता है, कुमाऊं में इसे बुढ़ दिवाली कहा जाता है, और प्लेन्स में ये एकादशी विष्णु एकादशी हरि एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो कहा जाता है कि एक और इसका रीजन है कि 11 दिन पहले जब दीपावली होती है, दीपावली के दिन हम सब लोग लक्ष्मी को अपने घर में स्थापित करते हैं, आज के दिन विष्णु जी की पूजा के साथ सब कुछ जो 11 दिन का जो दीपावली है वो समाप्त होती है एकादशी के दिन। और दूसरा क्या है कि इस क्षेत्र के आप ये पहाड़ देख रहे होंगे, इसके पीछे ठीक पीछे सीता माई का मंदिर है, राम और देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर टेम्पल है और लक्ष्मण जी का मंदिर है। कहा जाता है कि वहाँ आज के दिन एकादशी के दिन बहुत बड़ा मेला, आप भी ऑर्गेनाइज है अगर जो आप जाएंगे, आप बहुत बड़ा मेला है, और एक पत्थर होता है जो कि वो पत्थर पूजा के दिन मंदिर में स्थापित किया जाता है और फिर मंदिर से अपने आप विलुप्त हो जाता है और फिर किसी भी खेत में वो मिल सकता है। तो इस क्षेत्र के और गढ़वाल की जो परंपराएं हैं उसको जो लोग भूलते जा रहे थे, अनिल बलूनी जी ने एक नई मुहिम चलाई है, और मैं तो उनका साधुवाद और धन्यवाद करूंगा कि अपनी युवा पीढ़ी जो कि जिस प्रकार से आप देखते हैं पंजाब अन्य प्रदेशों को देखते हैं, उनके अपने फेस्टिवल हैं, हमारा ये फेस्टिवल है, इसके लिए उनको बहुत बड़े साधुवाद के हम देते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? धर्मवीर गोसाई। तो जो ये पलायन वाली समस्या से बलूनी जी ने एक संवेदनाओं के साथ अपने लोक संस्कृति के त्यौहार को पलायन से जोड़ा है, इसका क्या फर्क पड़ेगा? अनिल जी काफ़ी समय से पलायन को लेकर के बड़े गंभीर हैं और वो चाहते हैं कि उत्तराखंड के लोग अपने यहाँ लौटें, और उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है कि जहाँ पर पर्व बहुत मनाए जाते हैं, उसमें जो इगास ऐसा पर्व है कि जो आम जनता से जुड़ा हुआ है, और उन्होंने आह्वान किया पूरे देश के अंदर उत्तराखंड के लोगों से, जो उत्तराखंड के लोग जो देश में हैं और विदेश में, कि अपने गांव आएँ, गांव में आकर के वो इगास का त्यौहार मनाएं, जिससे जो गांव लौटेंगे तो अपने गांव की जो स्थिति है उसको देखेंगे और उनके अंदर जो एक जो भाव है पहाड़ का वो जगे, और फिर से जो पलायन हो रहा है वो रुके। तो इस सोच के तहत अनिल जी ने आह्वान किया इगास कार्यक्रम का और आज उनके गाँव में कार्यक्रम मनाया जा रहा है। बिल्कुल अजीत, ये त्यौहार बेहद खास है पहाड़ के लोगों के लिए, और वो जो खासियत है वो हम देख भी रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं तस्वीरों में, बेहद खूबसूरत वहाँ पर नज़ारा है, लोगों की जो उत्सुकता है वो साफ बता रही है कि जो मुहिम थी उसका असर हुआ है। बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी इन दिनों बीमार हैं, जिस वजह से वो इगास बग्वाल पर्व को अपने गांव में नहीं मना पाएंगे। बलूनी की अनुपस्थिति में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा बलूनी के गांव जाकर इगास बग्वाल मनाएंगे। संबित पात्रा बलूनी के गांव के लिए रवाना हो गए हैं। दरअसल बलूनी ने पलायन को लेकर एक मुहिम शुरू की थी, जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की थी कि इस बार वो इगास बग्वाल पर्व अपने घर आकर मनाएं। कल इगास बग्वाल पर्व जो है वो अब मनाया जा रहा है उत्तराखंड में, लेकिन बलूनी की जगह अब उनकी इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए संबित पात्रा मौजूद रहेंगे। अनिल जी चूंकि नहीं आ सकते हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि हम उनके मित्र हैं, आज मैं उनके गांव जा रहा हूं। कल कोट गांव में, देवप्रयाग के निकट उनका गाँव है पौड़ी जिला में, कोट गाँव में धूमधाम के साथ इगास मनाया जाएगा।
जिला पंचायत अध्यक्ष पद की 9 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। इस जीत से भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित हैं। टिहरी जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा ने एक बार फिर परचम लहरा दिया है। अध्यक्ष पद पर भाजपा की सोना सजवाड़ एक बार फिर जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, जबकि भाजपा के ही भोला सिंह पंवार उपाध्यक्ष पद पर काबिज हुए। अध्यक्ष पद पर बीजेपी की सोना सजवाड़ को 45 में से 34 सीटें मिली। उधर बागेश्वर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा की उम्मीदवार बसंती देवी की जीत हुई है। उन्होंने वंदना ऐठानी को पराजित किया। बागेश्वर कपकोट और गरुण तीनों विकास खंड के प्रमुख की सीट जीतने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भी भाजपा का कब्जा हो गया। इसमें से तुम्हें एक पर्ची निकालना है, एक ही निकालना है। विकास करूंगी और पूरी कोशिश रखूंगी, जहां जो भी आवश्यकता पड़ेगी हर जगह मैं उपस्थित रहूंगी और जो भी जनता को योजना के लाभ दिलाना होगा मैं दिलाऊंगी। उत्तराखंड में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पूरी तरह संपन्न हो गए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पद की 12 सीटों में से 9 सीटों पर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की जीत हुई है, जबकि ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भी भाजपा ने बाजी मारी है। ब्लॉक प्रमुख की 89 सीटों में से 53 पर भाजपा की जीत हुई है। जो घोषित किए थे हमने उनमें से 53 स्थानों पर हम जीत के आए हैं, जिसमें 21 तो हम निर्विरोध पहले ही आ चुके हैं। इस तरह से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और पहली बार भारतीय जनता पार्टी इतने प्रचंड बहुमत से यहाँ आई है। कांग्रेस तो बिल्कुल रसातल को चले गई है, 20 सीटें जीत के आई हैं और जो निर्दलीय शेष आए हैं उसमें से अधिकांश लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के प्रस्ताव हमारे पास भेजे हैं। आचार पत्रों में भी अलग अलग है, अलग अलग समाज चार पत्र जो है अलग अलग जो है दर्शा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने कितने जीते मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 29 ब्लॉक प्रमुख जीते। उधर रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर भाजपा की जीत हुई है। भाजपा प्रत्याशी अमरदेई शाह को 12 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की ज्योति देवी को 6 वोट हासिल हुए, जबकि उपाध्यक्ष पद पर सुमन तिवारी को जीत मिली। अल्मोड़ा में हुए हिंदुस्तान अखबार के मेरे युवा मेरी शान कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। साथ ही परिवहन मंत्री यशपाल आर्य, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी शिरकत करने पहुंचे। इस मौके पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सूबे में निवेश की काफी संभावनाएं हैं और देहरादून में कराई गई इन्वेस्टर समिट के बाद निवेशकों का रुझान बढ़ा है। एवरेज अगर टीचर देखेंगे आप तो हमारे यहाँ 12 बच्चों पर एक टीचर है जी जी। ये कई राज्यों को मैं देखता हूँ, अभी वो कहते हैं हम 30 बच्चों पर एक अध्यापक लाना चाहते हैं, लक्ष्य रखा है हमारे यहाँ ऑलरेडी है। इस सब के बावजूद और बहुत बड़ा कारण आज जो अंग्रेजी शिक्षा हो गई है सरकारी विद्यालयों में, हमने अब तीसरी से शुरू किया है, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा लोग चाहते हैं, शिक्षा मिले ना मिले लेकिन टाई पहनना चाहते हैं। आज 202 मेगावाट अवार्ड हुए हैं उत्तराखंड में, केवल पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 202 मेगावाट, यानी 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज पहाड़ों में आया है। आप कभी यहां से बैजनाथ जाइए, आपके बिल्कुल नजदीक है, वहां पर एक रेजिन की फैक्ट्री लगी है, 12-13 किस्म की आइटम बना रहा है इससे लीचे से, और इंडोनेशिया 113 किस्म की आइटम बना रहा है, खाने से लेकर कॉस्मेटिक से लेकर डेंट से लेकर पेंट से लेकर तमाम दवाइयों में आज इसका इस्तेमाल होता है। उधर सूबे के जो लोग खेती से मुंह मोड़ रहे हैं उनके लिए सीएम उत्तराखंड का कहना है कि लोगों को अब खेती के दूसरे तरीकों पर विचार करना चाहिए। तो यहाँ आलू लगाओ जमीन के नीचे, यहाँ अदरक बो, यहाँ हल्दी बो, ट्यूबलर्स के नीचे गए, ट्यूबलर खेती के लिए गए, हमारे पास विकल्प है। आज हमको क्या जरूरत है, आज हमको यहाँ गेहूं बोने की क्या जरूरत है, आज हमको धान बोने की जरूरत क्या है, अगर हम उस पर अपनी ताकत का इस्तेमाल देखें कि हमारी कितनी एनर्जी, कितना श्रम, कितना पैसा लगा उसमें, तो ये जो चावल जो हम बाजार में 40 रुपए किलो खरीदते हैं, ये चावल
अगर हम उस पर अपनी मेहनत यहाँ पर जो लगाएं तो ये 200 रुपए किलो से कम नहीं बैठता, लेकिन हम अपना श्रम की कीमत नहीं समझते। हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को सस्ती बिजली देने के मामले पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर शपथ पत्र पेश करने को कहा है। सीरियसली लिया और इस पर सेक्रेटरी ऊर्जा स्टेट ऑफ उत्तराखंड को जो है डायरेक्ट कोर्ट ने सुन तो जो है पार्टी इंप्लीट किया है और उनसे जवाब मांगा है कि विदिन वन वीक आप जो है इसके अंदर जवाब दें। उधर महादेवी कन्या पाठशाला में यूजीसी के 45 लाख के गबन पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, यूजीसी और तत्कालीन सचिव समेत प्रिंसिपल को नोटिस जारी किया है। उधर बहुचर्चित NH-74 मुआवजा घोटाले में उधम सिंह नगर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। फर्जी तरीके से मुआवजा लेने के आरोप में पुलिस ने तीन और आरोपी किसानों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तीनों किसानों को SIT को सौंप दिया है। आरोप है कि इन किसानों ने जमीन के लैंड यूज बैकडेट में कराकर ज्यादा मुआवजा हासिल किया। चल रही है तो उसी के अंतर्गत जो है तीन अभियुक्तों को जो है कल बाजपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के उपरांत जो है उनके जो विधिक कार्रवाई वो पूर्ण करने के उपरांत IU के द्वारा आज उनको जो नैनीताल जो हमारी एंटी करप्शन वाली कोर्ट है उसमें उनको पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड में बिजली चोरी की घटनाएं रोकने के लिए विजिलेंस टीम लगातार छापेमारी कर रही है। मैदानी इलाकों में बिजली चोरी की सबसे ज्यादा घटनाएं हरिद्वार उधम सिंह नगर जिले में हो रही हैं। छापेमारी के दौरान कई विवाद ना हो इसके लिए ऊर्जा विभाग ने शासन से पुलिस बल की मांग की है। इसमें जनपद हरिद्वार और जनपद उधम सिंह नगर में बिजली चोरी की ज्यादा घटनाएं हो रही हैं और वहां पर जो लॉसेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और हमारे द्वारा विजिलेंस टीम के द्वारा हरिद्वार और जनपद उधम सिंह नगर में फोकस किया जा रहा है। यहाँ पर लगातार हमारी विजिलेंस की टीमों द्वारा छापेमारी की जा रही है और जो विद्युत चोरी के जो अभियोग हैं वो संबंधित थानों में पंजीकृत कराए जा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सबसे पहले खबरें पाने के लिए ABP गंगा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए। Facebook पेज है www.facebook.com/abpganga। Twitter पर भी फॉलो कीजिए, हमारा Twitter हैंडल है twitter.com/abpganga।